नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के माधाता ब्लॉक कार्यालय में तोड़फोड़, इन्वर्टर, बैटरी, एलईडी टीवी चोरी। माधाता ब्लॉक के अधिकारी और कर्मचारियों की उदासीनता से ब्लॉक में आए दिन होती है चोरियां। ब्लॉक में कई बार चोरियां होने के बाद भी नींद से नहीं जागे ब्लॉक के अधिकारी व कर्मचारी। ब्लॉक में रात्रि में नहीं रुकते एक भी चौकीदार, जिसके कारण चोर चोरी की घटना को देते हैं बेखौफ अंजाम। वही ब्लॉक के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बने सरकारी आवास में भी नहीं रुकते एक भी कर्मचारी। आवास भूत बंगले में हो रहा है तब्दील। प्रतापगढ़ कोतवाली मांधाता क्षेत्र में गैर सरकारी की बात तो छोड़िए, सरकारी कार्यालय भी सुरक्षित नहीं है। चोरों ने इस बार मांधाता ब्लॉक को निशाना बना लिया है। ब्लॉक कार्यालय के कंप्यूटर कक्ष व प्रमुख कक्ष में लगे इन्वर्टर, बैटरी, एलईडी टीवी चोरी कर ली गई और ब्लॉक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिए और हार्ड डिस्क रिकॉर्डर भी अपने साथ उठा ले गए। घटना की जानकारी होने पर ब्लॉक कर्मियों के होश उड़ गए। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची मांधाता पुलिस ने जांच पड़ताल की। खंड विकास अधिकारी राजेंद्र पांडेय की तरफ से तहरीर दे दी गई है। इस मौके पर प्रधान संघ अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बाबा भी मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्लॉक में यह कोई पहली चोरी नहीं है, ब्लॉक में 3 से 4 बार हो चुकी है चोरियां, जिसका पुलिस ने आज तक खुलासा नहीं कर पाई। ऐसे में सवाल यह है कि जब सरकारी कार्यालय ही सुरक्षित नहीं है तो गैर सरकारी कार्यालयों और आम नागरिकों के घरों की सुरक्षा कैसे हो पाएगी। प्रतापगढ़ जिला ब्यूरो अवनीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। बीती रात आज चोरी हुई है आपके परिसर में, अखंड विकास अधिकारी मानदाता है और इसके पहले भी 2-3-4 चोरियां हो चुकी हैं और आज क्या किया गया है चोरी में, आपने पुलिस कार्यवाही किया है, पुलिस मौके पे आई थी या नहीं आई थी? पुलिस मौके पे आई थी, प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दे दिया गया है। बैटरा और इन्वर्टर दो चीज़ों की चोरी हुई है प्रमुख कक्ष से और ब्लॉक कार्यालय से। जी, नाम? राजेंद्र नाथ पांडे।